हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। आज हम पढ़ने जा रहे हैं आपकी क्लास 5 साइंस का चैप्टर नंबर 2, जो कि है एनिमल वर्ल्ड। एनिमल वर्ल्ड यानी पशुओं का संसार। इस चैप्टर में हम देखेंगे कि एनिमल्स की क्या हैबिटेट्स हैं, उनकी बॉडी कवरिंग किस तरह की होती है, वो लोग उनकी ईटिंग हैबिट्स कैसी होती हैं, उनका मूवमेंट कैसा होता है, वो रेस्पिरेशन किस तरह से करते हैं और रिप्रोडक्शन किस तरह से करते हैं और वो माइग्रेशन करते हैं और क्यों करते हैं। तो चलिए आज के इस चैप्टर में हम स्टार्ट करते हैं। चैप्टर नंबर 2 आपके साइंस का वो है एनिमल वर्ल्ड यानी पशुओं का संसार। तो एनिमल किंगडम इज ए वेरी लार्ज एंड कॉन्स्टिट्यूट अ नंबर ऑफ एनिमल्स बिग एंड स्मॉल विच आर फाउंड ऑन लैंड इन वाटर एंड इन एयर। Animals are found in deserts, polar regions, mountains, and also in deep oceans. They have some special adaptation that help them to live in these places. तो हम ये सोचते हैं कि ये जो animals हैं, ये इन जगहों में कैसे रह पाते हैं। डेजर्ट बहुत गर्म होता है, पोलर रीजन बहुत ठंडा होता है, समुद्र में बहुत ठंडक होती है, पानी होता है, तो ये एनिमल्स इसमें कैसे रह पाते होंगे। तो ये सारा कुछ होता है उनके एडॉप्टेशन फीचर्स से, स्पेशल एडॉप्टेशन से, मतलब वहाँ पर रह करके वो अपने आप को वहाँ के जैसा बनाने की कोशिश करते हैं या कर लेते हैं, जिसको कि हम एडॉप्टेशन कहते हैं। एनिमल हैबिटेट, अब हम देखते हैं कि एनिमल्स का हैबिटेट क्या क्या है। द एरिया वेयर अ पर्टिकुलर एनिमल्स लिव्स नेचुरली इज कॉल्ड हैबिटेट। जो एक जगह है जहाँ पर पर्टिकुलरली वो एनिमल्स रहते हैं, उसको हम हैबिटेट कहते हैं। सम एनिमल्स लीव्स इन फॉरेस्ट, अदर इन ग्रासलैंड एंड मैनी लीव्स इन पॉन्ड्स। कुछ जानवर तो कहाँ रहते हैंगे, फॉरेस्ट में रहते हैं, जंगलों में रहते हैं, एंड अदर आर लीव्स इन ग्रासलैंड यानि घास के मैदानों में रहते हैं। कुछ पॉन्ड्स यानि तालाबों में रहते हैं, नदियों में रहते हैं, झीलों में रहते हैं और समुद्रों में रहते हैं। लार्ज नंबर ऑफ एनिमल्स ऑल्सो लिव्ड अंडरग्राउंड। बहुत सारे एनिमल्स कैसे हैं जो ज़मीन के नीचे भी रहते हैं। देयर आर 5 मेन हैबिटेट्स वेयर एनिमल्स लिव। 5 प्रकार के हैबिटेट्स होते हैं जहाँ पर एनिमल्स रहते हैं। देयर आर फॉरेस्ट, डेजर्ट। डीज क्या है, ये क्या क्या है, फॉरेस्ट है, डेजर्ट है, फिर पोलर रीजन्स हैं, माउंटेन्स हैं और वाटर है, जिसमें आपका फ्रेश वाटर और ओशन वाटर। फ्रेश वाटर यानी मीठे पानी की जगह और ओशन वाटर यानी खारा पानी, समुद्र के पानी की जगह। वहाँ पर ये 5 हैबिटेट्स माने गए हैं, ठीक है। हैबिटेट यानी नेचुरल सराउंडिंग्स ऑफ एनिमल्स, ठीक है ना। तो चलिए अब हम देखते हैं 5 के डिस्क्रिप्शन को। पहला है फॉरेस्ट। फॉरेस्ट इज ए लार्ज एरिया दैट इज कवर्ड बाय प्लांट्स एंड ट्रीज। फॉरेस्ट प्रोवाइड शेल्टर टू द लार्ज वैरायटी ऑफ एनिमल्स। फॉरेस्ट क्या है, बहुत बड़ा एरिया है जो कि किससे कवर्ड होता है, ट्रीज से कवर्ड होता है, ठीक है। फॉरेस्ट क्या करता है, शेल्टर प्रोवाइड करता है, रहने के लिए जगह देता है। एनिमल्स सच एज लायन, टाइगर, बियर लिव इन केव्स।
बड़े जानवर जैसे शेर, चीता, भालू, ये सभी कहाँ रहते हैं? केव्स यानी गुफाओं में रहते हैं। एनिमल्स सच एज मंकी एंड बर्ड्स लिव ऑन ट्रीज, कुछ जानवर जैसे बंदर हो गया, पक्षी हो गए, ये कहाँ पर रहते हैं? पेड़ों पर रहते हैं। रैबिट, स्नैक, रैट्स, अर्थवॉर्म्स लीव्स इन द ब्रोज इन द ग्राउंड, और सांप, चूहे, ठीक है, ये कहाँ पर रहते हैं? जमीन के नीचे गड्ढे बना के, सुरंग बना करके अंदर जमीन के नीचे रहते हैं। डेजर्ट, अ डेजर्ट इज ए ड्राई एंड सैंडी रीजन, रिसीव्स वेरी लिटिल रेनफॉल। डेजर्ट क्या है? एक ड्राई और ड्राई यानी सूखा और सैंडी यानी रेतीला भाग है जहाँ पर बहुत कम बरसात होती है। एनिमल्स दैट लिव इन डेजर्ट हैव अ स्पेशल फीचर टू सर्वाइव इन द हॉट एंड ड्राई क्लाइमेट। क्या होता है डेजर्ट में जो बर्ड्स होते हैं उनमें कुछ अलग से फीचर्स पैदा हो जाते हैं जिससे कि वो कहाँ पर रह पाते हैं? इस गर्म और सूखी जगह पर रह पाते हैं। Some animals that live in the desert stay cool during the days by burrowing underground. Other desert animals have a thick skin to avoid water loss through sweat. कुछ जानवर कैसे होते हैं? वो तो जमीन के नीचे रहते हैं अपने आप को ठंडा रखने के लिए, और कुछ जानवरों की जो स्किन है वो बहुत मोटी होती है, तो मोटी स्किन होने से क्या होता है कि उनसे शरीर से पसीना नहीं निकलता है और पानी की कमी उनमें नहीं होने पाती है। ठीक है, यहाँ पर आपको गैला मॉन्स्टर के बारे में ये लाइन लिखी हुई है, ये जो मैक्सिकन बेडेड लिजार्ड है। तो चलिए अब इसके बाद हम देखते हैं पोलर रीजन एंड माउंटेन्स। पोलर रीजन यानी कि ध्रुवीय भाग। ध्रुवीय भाग क्या होते हैं? जो हमारी अर्थ का नॉर्थ पोल है और साउथ पोल है वो हमारे पोलर रीजन कहलाते हैं। ठीक है, अर्थ पोलर रीजन्स एंड हाई माउंटेन्स आर कवर्ड विथ स्नो एंड आर एक्सट्रीमली कोल्ड। ठीक है, हमारे पोलर रीजन और ऊंची जो पहाड़ियां हैं वो अधिकांशतः क्या होते हैं? बर्फ से ढके रहते हैं और बहुत ठंडे होते हैं। एनिमल्स सच एज पोलर बियर हैव थिक फर एंड अ लेयर ऑफ फैट बेनेट देयर स्किन्स। एनिमल्स जैसे पोलर बियर हो गया, उनकी फर कैसी रहती है? थिक रहती है और उनके बॉडी के अंदर फैट की एक पूरी लेयर जमा रहती है। ठीक है, जो कि उनको क्या करती है? वार्म रखती है। पेंगुइन, सील एंड वॉलरस आर फाउंड इन पोलर रीजन। पोलर रीजन में ये एनिमल्स मिलते हैं। ओशन, ओशन इज ए ह्यूज सॉल्ट वाटर बॉडी दैट कवर्स 2/3 ऑफ द अर्थ सरफेस। ठीक है, ओशन क्या है? सॉल्ट वाटर बॉडी है जो कि 2/3 पार्ट में अर्थ को कवर किए हुए हैं। इट इज़ द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट हैबिटेट, सबसे बड़ा हैबिटेट यही है। लार्ज वैरायटी ऑफ फिश आर फाउंड इन ओशन, इन ओशंस में बहुत बड़ी वैरायटी फिशेज की मिलती है। वेल, ऑक्टोपस, जेली फिश एंड सम एक्वेटिक क्रीचर्स फाउंड इन ओशन। यहाँ पर आपको क्या मिलते हैं? वेल्स मिलती हैं, ऑक्टोपस मिलते हैं, जेली फिश मिलती हैं और भी बहुत सारे जो एक्वेटिक क्रीचर्स हैं वो मिलते हैं। फ्रेश वाटर, फ्रेश वाटर यानी मीठे पानी की जगह, रिवर्स, लेक, पॉन्ड एक्सेट्रा आर द एग्जाम्पल ऑफ फ्रेश हैबिटेट। एनिमल्स लाइक फिश,
palms and crocodiles are found in fresh water. नदियाँ, तालाब, झील ये फ्रेश वाटर के एग्जाम्पल हैं. और यहाँ पर क्या क्या रहती हैंगी, मछलियाँ, क्रोकोडाइल्स आदि इस फ्रेश वाटर में रहते हैं. तो ये थे हमारे हैबिटेट्स के फ्रेश वाटर तक का इन्फॉर्मेशन. अब हम आगे देखते हैं. नाउ द नेक्स्ट इज योर हैबिटेट ईटिंग हैबिट्स इन एनिमल्स, मतलब खाने की आदतें. अलग अलग जानवरों में खाने की आदतें भी अलग अलग होती हैं. ऑल लिविंग थिंग्स नीड फूड टू गेट एनर्जी टू ग्रो एंड स्टे हेल्दी. सभी लिविंग थिंग्स को फूड की ज़रूरत होती है, काय के लिए, एनर्जी के लिए और हेल्दी रहने के लिए. डिफरेंट एनिमल्स हैव डिफरेंट काइंड्स ऑफ फूड, अलग अलग प्रकार के जानवर अलग अलग प्रकार का खाना खाते हैं. बेस्ड ऑन देयर फूड हैबिट्स, जो कि उनके खाने की आदतों पर आधारित होता है. एनिमल्स कैन बी डिवाइडेड इंटू थ्री टाइप्स, एनिमल्स को हम तीन प्रकार में बांट सकते हैं. दीज आर एज फॉलो, जैसे फर्स्ट है आपका हर्बीवोरस एनिमल्स. हर्बीवोरस यानी प्लांट ईटिंग एनिमल्स, हर्बीवोरस यानी प्लांट ईटिंग एनिमल्स. फॉर एग्जाम्पल काउ, गॉट, हॉर्स, जीराफ, दे हैव शार्प फ्रंट टीथ, इंसीजर टीथ फॉर बाइटिंग. तो इनके क्या होते हैं, आगे के जो दांत होते हैं बहुत तीखे पहने होते हैं, इंसीजर्स वाले होते हैं, और ये किसी भी चीज़ को आसानी से बाइट कर सकते हैं. ब्रॉड एंड स्ट्रॉन्ग बैक टीथ, मोलार टीथ फॉर ग्राइंडिंग फूड. मतलब इन जानवरों के दो प्रकार के दांत मेनली होते हैं, आगे के इंसीजर और पीछे के मोलर. इंसीजर टीथ क्या करते हैं, उस चीज़ को काटने का काम करते हैं, और जो मोलर टीथ होते हैं वो उन चीज़ों को ग्राइंड करके पीस के चबा के खाने का काम करते हैं. तो ये है हर्बीवोरस एनिमल्स. इसके बाद नेक्स्ट है योर कॉर्निवोरस एनिमल्स. कॉर्निवोरस यानी फ्लैश ईटिंग एनिमल्स. फिगर देख के ही आपको समझ में आ गया होगा कि ऐसे जानवर जो फ्लैश ईट करते हैं, मांस खाते हैं जानवरों का, वो फ्लैश ईटिंग एनिमल्स कॉर्निवोरस कहलाते हैं. इनके जो दांत हैं वो शार्प पॉइंटेड होते हैं, कैनाइन टीथ होते हैं, फाड़ने वाले होते हैं, क्योंकि इनको मांस को क्या करना पड़ता है, फाड़ना पड़ता है, इसलिए कैनाइन टीथ का यूज होता है ना, जिसमें एग्जांपल है आपका लॉयन, टाइगर, कैट एंड वॉल्फ. ठीक है. नाउ द नेक्स्ट इज योर यस ओमनीवोरस. ओमनीवोरस यानी कौन, सम एनिमल्स ईट फ्लैश ऑफ अनदर एनिमल्स एज वेल एज प्लांट. मतलब ऐसे जानवर जो फ्लैश भी खाते हैं और प्लांट्स भी खा सकते हैं, दे आर कॉल्ड ओमनीवोरस. मतलब हर्बीवोरस और कॉर्निवोरस दोनों होते हैं वो, इसलिए उनको हम क्या कहते हैं, ओमनीवोरस कहते हैं. जैसे मैन, बियर, क्रो. ठीक है, ये हो गए हमारे ईटिंग हैबिट्स के टाइप. नाउ अब ऑल एनिमल्स मूव करते हैं, तो हम अब देखते हैं उनके मूवमेंट्स इन एनिमल्स, कैसे एनिमल्स मूव करते हैं. एनिमल हैव डिफरेंट टाइप ऑफ बॉडी पार्ट और लिम्स फॉर मूवमेंट. मूवमेंट के लिए उनके पास डिफरेंट टाइप के बॉडी पार्ट्स होते हैं, लिम्स होते हैं मूव करने के लिए. दे हैव डिफरेंट वेज ऑफ मूविंग फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस, है ना, अलग अलग पार्ट होते हैं. अपने ह्यूमन बींग्स में क्या होते हैं, लेग्स होते हैं, वेरी गुड. और इंसेक्ट में भी क्या होते हैं, इंसेक्ट में क्या होता है, इंसेक्ट में लेग्स भी होते हैं और विंग्स भी होते हैं. चलिए देखते हैं इंसेक्ट. ऑल इंसेक्ट हैव सिक्स लेग्स, इंसेक्ट के सिक्स लेग्स होते हैं. मोस्ट इंसेक्ट यूज देयर लेग्स टू मूव. जितने भी इंसेक्ट हैं वो अपने लेग्स को मूव करने के लिए यूज करते हैं. इंसेक्ट लाइक एंट, फ्रेश फिशेज हैव फिंस
फॉर स्विमिंग, फिशेस के पास क्या होती हैं? फिन्स होती हैं स्विम करने के लिए. ए पेयर ऑफ फिन्स विल हेल्प देम टू कीप देयर बैलेंस एंड चेंज द डायरेक्शन. और ये जो फिन्स होते हैं, पंखनुमा आकृति होती हैं, इससे ये क्या करती हैं, अपने आप को तैराने का काम करती हैं और डायरेक्शन चेंज करने के लिए, साथ में इनकी बॉडी के बैलेंस को भी मेंटेन करने का काम करती हैं. फ्रॉग्स यूज देयर वेब्ड फीट टू स्विम. व्हेन ऑन लैंड दे जंप विद द हेल्प ऑफ देयर लॉन्ग हिंड लेग्स. जो मेंढक है वो उनके पैरों में जालियां होती हैं जिससे वो पानी के अंदर तैरने का काम करते हैं, और लंबे पैर जमीन में कूद के आगे चलने के लिए काम आते हैं. टर्टल्स हैव फोर पैडल लाइक लिम्स टू पुश वाटर बैक एंड स्विम. इसी प्रकार टर्टल क्या करता है, उसके चार पैर होते हैं और चारों पैर से वो स्विमिंग करता हुआ पानी को पीछे धक्का देता हुआ चलने का काम करता है. बर्ड्स फ्लाई विद देयर विंग्स विच आर एक्चुअली देयर फोर लिम्स. बर्ड्स जो है वो क्या है, अपने पंखों से उड़ते हैं और ये इनके क्या होते हैं, फोर लिम्स होते हैं. विंग्स हैव फीदर्स, उनके पंखों में क्या होते हैं, छोटे छोटे पंख लगे होते हैं. ये द विंग्स आर अटैच्ड टू द ब्रेस्ट बोन ऑफ बर्ड्स. ये जो विंग्स होते हैं इन बर्ड्स के ब्रेस्ट बोन से कनेक्टेड होते हैं. बोन्स ऑफ बर्ड्स आर हॉलो विच मेक देयर बॉडीज लाइट एंड ईजी टू फ्लाई इन द एयर. इनकी जो हड्डियाँ होती हैं पक्षियों की, वो खोखली होती हैं जो कि इनको हवा में आसानी से उड़ने में मदद करती हैं. सम बर्ड्स हैव लार्ज बॉडीज एंड पुअरली डेवलप्ड विंग्स. कुछ लोगों के जो कुछ बर्ड्स होते हैं उनकी जो बॉडी कैसी होती है, बड़ी होती है, लेकिन उनके जो पंख होते हैं वो कम डेवलप्ड होते हैं. हैंस दे आर अनेबल टू फ्लाई, इस कारण से ये उड़ नहीं पाते हैं, जैसे कि ऑस्ट्रिच, ईमू और कीवी, ये उड़ नहीं पाते हैं, ये सिर्फ ज़मीन में चल पाते हैं, दौड़ पाते हैं. क्यों? क्योंकि इनका शरीर जो है वो बहुत बड़ा होता है, लेकिन पंख इनके जो हैं वो छोटे छोटे होते हैं. वहीं उड़ने वाले पक्षियों के जो पंख होते हैं वो बड़े होते हैं और शरीर थोड़ा छोटा होता है, जिससे ये हवा में आसानी से उड़ पाते हैं. नाउ द नेक्स्ट इज योर लैंड एनिमल्स. मोस्ट एनिमल्स हैव फोर लिम्स. सभी जानवरों के फोर लिम्स होते हैं, हमको पता है. टू लिम्स इन द फ्रंट आर कॉल्ड फोर लिम्स एंड द टू बिहाइंड आर कॉल्ड हाइंड लिम्स. दो आगे के होते हैं जिसे हम फोर लिम्स कहते हैं, और दो पीछे के होते हैं जिन्हें हम हाइंड लिम्स कहते हैं. सम एनिमल्स लाइक हॉर्स आर यूज फोर लिम्स टू मूव. कुछ एनिमल्स अपने चारों पैरों को, चारों लिम्स को मूव करने के लिए, चलने के लिए यूज करते हैं. वाइल अदर लाइक कंगारू, जैसे ये कंगारू हो गया, यूज ओनली देयर हिंड लिम्स टू मूव. कंगारू के आगे के पैर कैसे होते हैं, छोटे छोटे हैं, वो उसके हाथ के जैसे काम करते हैं, और वो अपने पीछे के जो मजबूत पैर हैं वो उनसे चलने का काम करता है. जबकि घोड़ा क्या करता है, घोड़े के चारों पैर मजबूत होते हैं और वो चारों पैरों से दौड़ता है. द लिम्स ऑफ ह्यूमन बींग्स developed humans use their hind limbs or leg and stand upright and support their body as well as for walking and running. हम अपन के humans के जो hind limbs हैं वो legs में convert हो जाते हैं, जो कि उनको help करते हैं हमको चलने के लिए और दौड़ने के लिए और दूसरे काम करने के लिए. क्रोकोडाइल, लेजार्ड, टर्टाइज एंड टर्टल्स हैव शॉर्ट लिम्स दैट हेल्प देम टू क्रॉल. वहीं पर क्रोकोडाइल हो गया, ठीक है, इसने है ना, क्रोकोडाइल का जो लेग्स होते हैं वो कैसे होते हैं, एकदम शॉर्ट होते हैं, तो ये ज़मीन में खड़े होकर दौड़ नहीं पाते हैं, ये धीरे धीरे केवल रेंगने का काम करते हैं, रेंग पाते हैं, ठीक है. नाउ
स्नेक्स आर लिम्बलेस रेपिटाइल। स्नेक क्या है? लिम्बलेस रेपिटाइल है, ठीक है, इसके लिम्स नहीं होते हैं, इसीलिए ये चल नहीं पाता है। तो ये क्या करता है? दे क्रॉल विद द हेल्प ऑफ स्केल्स और प्लेट्स विच आर प्रेजेंट ऑन द अंडर साइड ऑफ देयर बॉडी। तो ये क्या करता है, उसकी जो बॉडी के निचले हिस्से में जो प्लेट्स जैसी आकृति होती है, जिसको कि हम स्केल्स कहते हैं, उसकी हेल्प से क्या करना है, क्रॉल करता है, रेपिटाइल बन के लहराते हुए जमीन पे चलने का काम करता है, ठीक है। दे ऑल्सो हैव स्ट्रॉन्ग मसल्स एंड फ्लेक्सिबल बैक बोन दैट हेल्प देम टू मूव। और इनका जो बैक बोन होता है वो कैसा होता है, एकदम फ्लेक्सिबल होता है, जो कि इनको मूव करने में बहुत हेल्प करता है। नाउ द रेस्पिरेशन इन एनिमल्स, एनिमल्स में रेस्पिरेशन कैसे होता है, रेस्पिरेशन यानी सांस लेने की प्रक्रिया, किस तरह से ये सांस लेते हैं। तो ऑल एनिमल्स ब्रीद थ्रू देयर लीव्स, सारे जानवर को जिंदा रहने के लिए सांस लेने की जरूरत पड़ती है। ऑल एनिमल्स ब्रीद इनहेल ऑक्सीजन एंड ब्रीद आउट एक्सहेल कार्बन डाइऑक्साइड। सारे एनिमल्स जो है वो ऑक्सीजन को इनहेल करते हैं, अंदर लेते हैं, और कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर छोड़ते हैं। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड रेस्पिरेशन। इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, रेस्पिरेशन कहते हैं। ऑक्सीजन इज एब्जॉर्ब्ड बाय द ब्लड एंड कैरीड टू ऑल पार्ट्स ऑफ बॉडी, ठीक है। और ऑक्सीजन जो है वो हमारे शरीर के सभी हिस्सों में खून के माध्यम से पहुंचती है, ठीक है। अब हम देखते हैं कि मम्मल्स किस तरह से रेस्पिरेशन करते हैं। मम्मल्स आर वार्म ब्लडेड एनिमल्स एंड हैव बेक बोन्स। बर्ड्स, रेपिटाइल्स एंड मम्मल्स ब्रीथ थ्रू लंग्स। मम्मल्स जो होते हैं वो वार्म ब्लडेड एनिमल्स होते हैं, गर्म खून वाले जानवर होते हैं, ठीक है। ये बर्ड्स हो सकते हैं, रेपिटाइल्स हो सकते हैं और मम्मल्स, ये सारे लोग लंग्स से, अपने फेफड़ों से सांस लेने का काम करते हैं। ह्यूमन बींग्स आर मम्मल्स, हम जो ह्यूमन बींग्स हैं वो भी मम्मल्स ही हैं। मम्मल्स ब्रीद इन एयर थ्रू देयर नोज एंड माउथ, ये अपनी नाक और मुंह से हवा को अंदर करते हैं। एयर एंटर्स द बॉडी थ्रू नोस्ट्रिल्स एंड माउथ एंड रीचेस टू द लंग्स। देयर अ ट्यूब कॉल्ड विंड पाइप, एक हवा के लिए विंड पाइप हमारे शरीर में होता है, उससे ये हवा हमारे शरीर के अंदर जाती है। लंग्स टेक इन ऑक्सीजन फ्रॉम द एयर एंड एक्सहेल कार्बन डाइऑक्साइड थ्रू नोस्ट्रिल, और उस हवा में जो ऑक्सीजन होती है वो लंग्स उस ऑक्सीजन को ले लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड को हमारी नाक के माध्यम से बाहर निकाल देते हैं। एम्फीबियंस, एम्फीबियंस आर एनिमल्स दैट लिव बोथ ऑन लैंड एंड इन वाटर ऑल्सो, ऐसे जानवर जो पानी और हवा जमीन दोनों पर रहते हैं एम्फीबियन कहलाते हैं। फॉर एग्जाम्पल अ फ्रॉग, ठीक है, फ्रॉग क्या है, एम्फीबियन है। अ फ्रॉग ब्रीथ थ्रू इट्स लंग्स व्हेन इट इज ऑन द लैंड एंड रेस्पायर थ्रू मॉइस्ट स्किन व्हेन इट इज इन अंडर द वाटर। तो ये क्या करता है, फ्रॉग जमीन पर जब रहता है तो लंग्स के साथ माध्यम से रेस्पिरेशन का काम करता है, और जब जमीन से बाहर रहता है तो जब पानी के अंदर रहता है तो वह अपने शरीर की जो स्किन है उससे पानी से ऑक्सीजन लेने का काम करता है। एक्वेटिक एनिमल्स, फिशेज लीव इन वाटर, मछलियाँ पानी में रहती हैं। अ फिश ब्रीद थ्रू इट्स गिल्स, फिश क्या करती है, सांस लेती है अपने गिल के माध्यम से। इफ़ यू वॉच अ फिश केयरफुली इन ए एक्वेरियम यू विल सी इट्स माउथ ओपनिंग एंड क्लोजिंग कंटिन्यूसली, आपने देखा होगा कि जब मछली को अगर अपन देखते हैं तो उसका मुंह बार बार खुलता और बंद होता है। अ फिश टेक्स इन वाटर थ्रू इट्स माउथ,
एंड रिलीजेज वाटर थ्रू इट्स गिल्स, तो वो क्या करती है, वो अपने मुंह से पानी को लेती है, पानी को पीती है, तो पानी में जो ऑक्सीजन रहती है वो उसके शरीर में चली जाती है और जो गिल्स होते हैं उससे वो उस पानी को बाहर निकाल देती है। ड्यूरिंग दिस प्रोसेस द ऑक्सीजन डिजॉल्व्ड इन वाटर इज एब्जॉर्ब्ड एंड कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम द ब्लड इज रिलीज्ड इनटू द वाटर। तो उससे क्या होता है, ऑक्सीजन जो पानी में घुली रहती है वो उसके शरीर में चली जाती है और कार्बन डाइऑक्साइड जो कि उसके शरीर में होती है शरीर से क्या होता है बाहर आ जाती है। अ पर्टिकुलर टाइप ऑफ रेस्पिरेटरी ऑर्गन इज फाउंड इन इंसेक्ट। इंसेक्ट्स में कुछ पर्टिकुलर टाइप के ऑर्गन्स मिलते हैं, कॉकरोच, कैटरपिलर, ग्रास हॉपर इनके एग्जांपल हैं। दे ब्रीद थ्रू स्पेरिकल्स द एयर होल प्रेजेंट ऑन देयर बॉडीज। ये लोग क्या करते हैं, स्पेरिकल्स के माध्यम से ब्रीदिंग करते हैं। ये क्या होते हैं, एक छोटे होल होते हैं जो इनकी बॉडी में होते हैं। दीज स्पेरिकल्स लीड्स टू अ नंबर ऑफ एयर ट्यूब्स विच फ्रॉम ए नेटवर्क दैट अलाउ एयर टू रीच एवरी टिश्यू इन द बॉडी ऑफ द इंसेक्ट। तो इसमें क्या होते हैं, छोटी छोटी हवा की पाइप्स होते हैं, उनके माध्यम से वो हवा को अपने शरीर में लेता रहते हैं। तो ये हो गया रेस्पिरेशन, और इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक है, आज की क्लास में हम यहीं तक देखेंगे रिप्रोडक्शन इन एनिमल्स तक, और इसके बाकी के कुछ टॉपिक्स और इसके क्वेश्चन आंसर और एक्सरसाइज हम नेक्स्ट वीडियो में आपके साथ शेयर करेंगे। तो देखते हैं रिप्रोडक्शन इन एनिमल्स। रिप्रोडक्शन यानी अपने जैसे यंग वंस को बर्थ करना, अपने जैसे बच्चे पैदा करना। तो द प्रोसेस बाय विच एन एनिमल प्रोड्यूस अनदर एनिमल्स लाइक इंसेक्ट इट्सेल्फ इज नोन एज रिप्रोडक्शन। अपने ही जैसे प्रजाति के बच्चों को जन्म देने की प्रक्रिया को हम रिप्रोडक्शन कहते हैं। सम एनिमल्स रिप्रोड्यूस डायरेक्टली बाय गिविंग बर्थ टू यंग वंस एंड अदर एनिमल्स रिप्रोड्यूस बाय लेइंग एग्स। देखिए यहाँ पर हम दो चित्र देख रहे हैं, एक एनिमल क्या करता है, अपने ही जैसे बच्चों को जन्म देने के बाद में निकल देता है और अपनी प्रजाति को आगे बढ़ाता है। वहीं कुछ एनिमल्स क्या करते हैं, अंडे देते हैं और अंडे में से उनके बच्चे बाद में बाहर निकल के आते हैं। अ कैट गिव्स बर्थ टू किटन, है ना, कैट किटन को बर्थ देती है, लेकिन एन हैन लेग्स लेज एग्स फ्रॉम विच चिकन हैच आउट, ठीक है, और मुर्गी क्या करती है, उसमें अंडे देती है और अंडे से थोड़े दिन के बाद बच्चे बाहर निकल के आते हैं। तो इस चैप्टर में हमने ये देखा, इसके बाद कुछ टॉपिक्स और बचे हैं जैसे माइग्रेशन इन एनिमल्स एंड फ्यू मोर टॉपिक्स, वो हम इस लेसन के अगले वीडियो में देखेंगे। और इस लेसन की जो एक्सरसाइज है, आप लोगों को बार बार एक्सरसाइज के सॉल्यूशंस में प्रॉब्लम होती है, तो मैं कोशिश करूंगा कि इस वीडियो में आपको इस एक्सरसाइज के क्वेश्चंस का बढ़िया सा सॉल्यूशन दूं, जिससे आप लोगों को आप पढ़ाई करने में परेशानी ना हो। तो बने रहिए इस चैनल के साथ में, और अगले वीडियो में हम फिर मिलेंगे। तब तक जिन्होंने अभी इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब बटन दबा करके और बेल आइकन प्रेस करके चैनल को सब्सक्राइब कर दें, और जल्दी ही हम मिलेंगे क्लास 5 के चैप्टर नंबर 2 के पार्ट नंबर 2 में, जो कि आपके इस चैप्टर का बहुत इम्पोर्टेंट पार्ट होने वाला है। तो पढ़ाई करते रहिए, घर पे रहिए, घर पे पढ़ाई करिए, स्कूल जाइए, टाइम से स्कूल जाइए और पढ़ाई करिए।